गैस बनने से सूजन और पेट फूलता है तो इन चीजों को तुरंत कर दें बंद। गैस बनने से सूजन और पेट फूलने जैसी समस्या है तो इन चीजों को खाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। इन चीजों से परहेज कर आप ब्लॉटिंग की समस्या से राहत पा सकते हैं। ब्लॉटिंग तब होती है जब आपके पेट में गैस बन जाती है। यह एक आम समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। सूजन होने से दर्द नाक, ऐंठन या फिर घंटों तक पेट में दर्द हो सकता है। ब्लॉटिंग तब होती है जब आपके पेट में गैस बन जाती है और पेट में सूजन आ जाती है। इसे ब्लॉटिंग भी कहते हैं। यह एक आम समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। ब्लॉटिंग को रोकने के कई उपाय हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट का सही ख्याल रखें तो आपको इस समस्या से जल्द छुटकारा मिल सकता है। सूजन होने से दर्दनाक ऐंठन या घंटों तक पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ साधारण डाइट चेंजेस करके सूजन को कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम आपको इन चीजों से परहेज करने के बारे में बताएंगे ताकि आपकी ब्लॉटिंग की समस्या खत्म हो जाए। फैट वाला खाना। ऑयली फैट वाला खाना आपके पेट पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इतना ही नहीं, इन फूड्स से हार्ट बर्न और पेट दर्द का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं या फिर सूजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो फैट वाले फूड्स के सेवन से बचने की कोशिश करें। फलियां। इसमें कोई शक नहीं कि बीन्स सुपर हेल्दी होती है। ये पेट फूलने का कारण बन सकती हैं। बीन्स चीनी ऑलिगोसैकेराइड में हाई होती हैं, जिन्हें शरीर पचा नहीं सकता। जब हमारा शरीर इन्हें पचाने की कोशिश करता है तो गैस पैदा हो जाती है। अगर आप अक्सर सूजन की समस्या से पीड़ित हैं तो बीन्स का सेवन नहीं करना चाहिए। नमकीन खाना। हाई सोडियम वाले फूड्स खाने से आपको पेट में सूजन हो सकती है, तो अगली बार आप नाश्ते में चिप्स के पैकेट के बजाय एक मल्टीग्रेन चुन लें जिसमें नमक की मात्रा कम हो। गेहूं। अगर आप गेहूं वाले प्रोडक्ट्स को खाने के बाद पेट अक्सर फूला हुआ महसूस करते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको सीलिएक रोग है। आप ब्रेड, अनाज, बिस्कुट, पास्ता जैसे गेहूं वाले प्रोडक्ट्स को खाने के बाद फूला हुआ महसूस करते हैं, आपको ग्लूटेन फ्री होने की जरूरत हो सकती है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बहुत से लोगों को लगता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक सूजन से निपटने में मदद करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वास्तव में यह बिल्कुल उल्टा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। जब आप इन ड्रिंक्स को पीते हैं तो आप इस गैस की एक बड़ी मात्रा को निगल जाते हैं। यह गैस पाचन तंत्र में फंस जाती है जिससे सूजन और ऐंठन भी हो सकती है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए अपने फूड का चुनाव अच्छे तरीके से करें। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।